गाइस, कैसा होगा कि अगर आप लोगों को एक ऐसे प्रिजन में मींस एक ऐसे जेल में डाल दिया जाए जहां पर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है और आप लोगों से प्रिजन के अंदर बहुत काम करवाया जा रहा है, पत्थर तोड़वाए जा रहे हैं, चेयर्स बनवाई जा रही है, मतलब बहुत काम करवाया जा रहा है और बहुत डेंजरस प्रिजन गार्ड्स भी हैं उस प्रिजन में और उन्हीं में से एक जेलर मैं भी हूँ। यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम थी वीडियो। तो गाइस आज हम लोग खेलने जा रहे हैं प्रिजन सिमुलेटर। तो बेसिकली इस गेम में ना मुझे खुद से अपने प्रिजनर सेट करने हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना लास्ट वीडियो पे जिन जिन ने कमेंट्स करे हैं उन्हीं को उठा के भर्ती करते हैं। ऑल राइट गाइस, तो अभी ना मैंने एक एक करके पूरे के पूरे 16 प्रिजनर्स अपनी जेल में भर दिए हैं, बस एक लास्ट रह गया था जिनका नाम है संजय कुमार। लेट्स गो, फटाफट से इनको भी अपनी प्रिजन में भर्ती करते हैं और जल्दी से गेम को स्टार्ट करते हैं। वैसे यार जो जो बंदे आए एक बारी मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि आखिर अपनी जेल में कौन कौन होने वाला है। फर्स्ट है धीरज शुक्ला, सेकंड है मुन्ना त्रिपाठी भाई, थर्ड है स्केयर आउल गेमिंग। करवा रहा हूं मैं, ये कह रहे हैं कि भाई जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, हम लोग 30 मिलियन भी पहुंच जाएंगे। अच्छा ओके, कह रहे वीडियो को भी लाइक कर देना अगर यहाँ तक आपने देख ही लिया है, तो आपको दो काम करने हैं, सब्सक्राइब एंड लाइक, तो जल्दी से कर दो। बाकी इशिका रावत बट अपने इन्होंने कमेंट करा था, बट इस गेम में सिर्फ मतलब इस प्रिजन में सिर्फ लड़के ही जाते हैं तो लड़के वाला करेक्टर। बाकी राहुल डॉन है या गेमर है, ठीक है यार चलो अभी जल्दी से स्टार्ट करते हैं। बहुत मस्त मस्त बंदे अपने साथ, और अगर आप लोग को भी इस प्रिजन का एक हिस्सा बनना है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करना मत भूलना। वेलकम गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं प्रिजन में। योर मेन टास्क इज टू कैरी आउट द रूटीन्स असाइन टू यू फॉर द डे, चेक देयर लिस्ट इन जर्नल, ड्यूरिंग द डे रिएक्ट टू द प्रिजनर्स बैड बिहेवियर एंड बिटवीन रूटीन्स यू कैन यूज योर फ्री टाइम टू एंजॉय द फन ऑफ इट। लेट्स गो, बहुत ज्यादा ही मजा आने वाला है। मोस्ट ऑफ द एक्शंस आर इवैल्यूएटेड बाय गार्ड्स एंड प्रिजनर्स व्हिच अफेक्ट्स योर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट, यानी कि अगर हम लोग प्रिजनर को थोड़ा बहुत परेशान भी करते हैं तो उनकी नजरों में हमारी रिस्पेक्ट डाउन होगी। भाई बिल्कुल मस्त फील दिलाने वाला है गेम। तो सबसे पहले अभी मुझे इस गार्ड से बात करनी है, शायद मैं अभी लॉकर रूम में हूँ जहाँ पर प्रिजनर्स आके पहले अपनी ड्रेस चेंज करते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं प्रिजनर्स के पास। तो मुझे पहले से बात करनी है। हेलो सर, आई हर्ड यू वांटेड टू टॉक मी मिस्टर ब्रांड। ओके, ये हंस रहा है भाई, मैं इधर से बात करने आया हूँ, यहाँ पर मुझे इसकी बात ही अच्छा। ओह वेट, अच्छा अपना प्रिजन में फर्स्ट डे है, हम लोग एक नए नए गार्ड बने हैं, तो ठीक है हमारी इससे एकदम मस्त बात हो चुकी है। चल चुप रहे, मेरे को तेरी कोई भी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं कहना क्या चाह रहा है भाई, शायद मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। चल 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 निकल यहाँ से, मेरे को बात करने भी नहीं है, चुपचाप चले जा। तो ये है गाइस अपना प्यारा सा, प्यारा तो नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा डेंजरस प्रिजन है सही में, कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी है, चारों तरफ गार्ड्स घूम रहे हैं, बट मुझे डरने की जरूरत थोड़ी है, मैं खुद एक प्रिजन गार्ड हूँ। तो भी मुझे पहले जा करना वार्डन से बात करनी है यहाँ के, क्योंकि हमारी नई नई ड्यूटी लगी है, ये हमें बताएगा कि हमें क्या क्या काम करना है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। ठीक है गाइस, ठीक है अभी मेरे से बात हो चुकी है, मैंने सब कुछ स्किप कर दिया, कॉस मेरे को आप लोग को बोर नहीं करना है, और वैसे भी मुझे खुद नहीं बोर होना है, मुझे बस प्रिजनर से मिलने चलना है, आखिर अपने ही दोस्त लोग है भाई वो। तो अभी सीधा मुझे जाना है सेल बॉक्स में, मतलब जहाँ पे सारे के सारे प्रिजनर्स बंद होते हैं। बाकी यहाँ पर प्रिजन गार्ड के लिए एकदम मस्त सोडा वगैरह लगा रखा भाई, ये भी फुल एकदम पियेंगे, बट अभी नहीं, अभी प्यास नहीं लग रही है, पहले काम करने चलते हैं। तो ये हैं कुछ लॉकर्स जिनमें मुझे कोई भी प्रिजनर अंदर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, ये सब कुछ पूरे के पूरे खाली क्यों पड़े हैं? वेट, इसके अंदर कोई है? शायद इतने ज़्यादा भी यहाँ पर प्रिजनर्स नहीं है, यहाँ पर एक बंदा बैठा हुआ है वो भी चुपचाप। कोई नहीं, मैं बोलूँगा ही नहीं, आप शायद कुछ खा पी रहे हो, बट ठीक है। हाँ अभी मुझे चलना है ये अंदर, और अभी हम लोग आ चुके हैं मेन सेल में जहाँ पे सारे तगड़े प्रिजनर्स है। तो अपना पहला काम है, योर फर्स्ट टास्क इज टू चेक अटेंडेंस, गो टू द ड्यूटी ऑफिस विच इज लेफ्ट टू द एंट्रेंस। ठीक है, मैं समझ गया क्या सीन है इसमें। तो मुझे ना सबसे पहले इन लोग की अटेंडेंस लेनी है, और अटेंडेंस लेने के लिए इस रूम में मुझे जाना है और पहले सबके लॉकर खोल के वेट। ये जितने भी आप गेट देख पा रहे हो ना, इस सारे के सारे बंदे हैं, वो टॉयलेट कर रहा भाई वहाँ पे अपना। यार ये सही में बिल्कुल रियल प्रिजन वाली फील आ रही है भाई, कुछ ज़्यादा ही रियल प्रिजन वाली फील आ रही है। यहाँ पर शायद कभी किसी प्रिजन गार्ड की लड़ाई होगी तभी उसका ब्लड वगैरह यहाँ पे गिरा हुआ है। भाई ये लोग सच्ची में बहुत ज़्यादा डेंजरस लग रहे हैं, मुझे कहीं मारने वारने ना लग जाए। ठीक है, तो पहले मुझे इस लीवर को डाउन करके इन सब के गेट खोलने हैं, और अभी सब लोग बाहर आ चुके हैं, तो मुझे सबसे पहले अपना ये वाला डिवाइस निकालना है और सबकी जाके अटेंडेंस ले लिया। तो धीरज भाई आए हैं, एक काउंट हो गया, एंड ये वाले भाई साहब, इसके ऊपर ये वाला मार्क क्यों आ रहा है?
भाई तू मारे हो मत मेरे को, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ। दो लोग हो गए, दो लोग के अटेंडेंस कंप्लीट। ये है तीसरा बंदा अपना स्के राहुल भाई, ये भी हो गए। थर्ड है अपने शिखर, ये भी हो गया। बाकी ये इसकी मैं अटेंडेंस, ओ वेट, हाँ ठीक है। तो अभी ना पहले मैं आपको बताता हूँ राहुल भाई, मुझे आपको मारना पड़ेगा क्योंकि ये इस गेम का रूल है, जो भी बंदा अगर प्रिजन से बाहर नहीं आता है अटेंडेंस के लिए उसको मार के बाहर बुलाना पड़ता है इस गेम में। तो अभी ये भाई देखो प्रिजन में आए हो। चलो भाई राहुल भाई आराम से एक बार मैं बात कर लेता हूँ कि आप सेल से। आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर भाई, अकड़ रहे भाई तुम तो यार राहुल भाई, रुक जाओ। तो मैं डरा देता हूँ कि अब आपकी पिटाई होने वाली है। चलो बाहर आ जाओ फटाफट से भाई, प्रिजन है ठीक है ना भाई। ये अभी भी नहीं हारा, एक सेकंड रुक जाओ, एक थोड़ा सा तेज मारना पड़ेगा। अब चलो बाहर। भाई सही में बाहर आ गया, ठीक है सॉरी बट हाँ करना पड़ेगा भाई, अभी फुल एकदम स्ट्रिक्ट गार्ड। लेट्स गो, पांच बंदे हो गए। ये अपने डोन गेमर भाई, डोन गेमर तो मेरे को मारना मत यार, तुम एकदम शांत स्वभाव के लग रहे हो यार। अब तू भी बाहर नहीं आ रहा। रॉकी भाई तुम तो बिल्कुल बदमाश हो रहे हो, रुक जाओ डंडा निकालो। चल लो कि नहीं, एक आराम से मार के देखता हूँ। आ जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। अटेंडेंस होनी है भाई, इसमें अकड़ कैसे रहे हो भाई यार, तू थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है भाई मारते हुए। मैं एक बार बात करके बुलाता हूँ यार, क्योंकि भाई हेलो एक सेकेंड। वो भाई वापस मार रहा है, वापस मार रहा भाई। अच्छा सॉरी, अरे अटेंडेंस लेनी थी बस। इसकी वापस भाई, वहां दो बंदों की लड़ाई होगी, रुक जाओ। अबे भाई कैसा प्रिजन गार्ड है, रुक जाओ। इसकी हुई है एक्वा ओपी की होगी धीरज भाई से। धीरज भाई ने भर दिया भाई, मुझे नहीं पता भाई, ठीक है यार मैं चुपचाप से अटेंडेंस ले रहा हूँ यहाँ के। सही में प्रिजनर बहुत ज्यादा डेंजरस है। तो डॉन गेमर की तो हो गई थी, रॉकी भाई की भी हो गई है। कुछ कुछ बंदे मतलब बात करके भी बाहर आ सकते हैं, जैसे इनसे पहले लड़ाई हुई थी बट फिर बाद में बात करी तो ये बाहर आ गए। मुझे डायरेक्ट हाथ नहीं चलाना है क्योंकि साफ साफ शुरुआत में ही बोला था कि अगर तुम बुरा बिहेवियर करोगे तो उनकी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट डाउन होगी। तो मुझे कोशिश करना है कि आई मिस माई फैमिली, अरे अरे बट कर भी कह सकते हैं भाई, अभी उन्हें गलती करी तभी यहाँ पर हो। बाकी अभी ये पता नहीं, ये भी शायद बाहर नहीं चल रहा है, शायद ये कोई बुक लिख रहा है यार, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। तो इसको भी बोल दिया गया कि चल भाई तू अपना बुक लिख, बाकी ठीक है चलो यार आप कंटिन्यू करो। इनकी आज अटेंडेंस मैं अंदर से नहीं लगा सकता, ओके काउंट हो गए, ठीक है ऐसा जरूरी नहीं है। 13, 14, 15 नहीं, आशु गुप्ता भाई है, ये रहे अपने संजय कुमार भाई, 16 बंदे हो गए। चलो भाई काम खत्म अपना एक, अब अपना फ्री टाइम यानी कि हम लोग अपना थोड़ा टाइम पास करने जा सकते हैं। लेट्स गो भाई, ध्यान रखना ठीक है। यहाँ पर जो प्रिजन गार्ड्स हैं ये तो खैर किसी भी काम के नहीं, खाली पील लगे पड़े हैं। बाकी यार अभी ना हम लोग जल्दी से चलते हैं यहाँ से, अभी अपना पूरा फ्री टाइम है, पता नहीं कितने मिनट का है, हमको करेक्ट नहीं पता। अपने पास 4 से 5 एक्टिविटीज हैं करने के लिए, जैसे कि मैं वहाँ पर जाके बो एंड एरो से थोड़ा बहुत एम प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और यहाँ पर एक बेंच लगा हुआ है जिसपे अगर मैं बैठूंगा तो ये सारा का सारा फ्री टाइम स्किप हो जाएगा। वैसे ठीक है फ्री टाइम स्किप करेंगे तो हमें ज़्यादा सीखने को मिलेगा, बट अगर हम उसी टाइम पर कुछ और सीख लेंगे तो वो भी ज़्यादा बेटर है। यहाँ पर फ्री टाइम में हम लोग शूटिंग रेंज है, यहाँ पर शूटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक प्रिजन गार्ड को शूट करना आना चाहिए, मैं कह रहा हूँ ना भाई, ये बिल्कुल रियल फील दिलाने वाला है प्रिजन की। ओके अपने पास गन आ चुकी है मुझे एकदम। ओ वेट, मतलब पबजी हो रहा है भाई एकदम। ओह भाई कुछ ज़्यादा डेंजरस रिकॉइल नहीं है, रुक जाओ मैं चला के रखता हूँ। ओ भाई वेट, ये बहुत डेंजरस रिकॉइल है भाई। लेट्स गो भाई, मुझे और प्रैक्टिस नहीं करनी, बहुत हो गई अपनी, मेरा एम खराब हो जाएगा इसमें उल्टा। ऑल राइट, फ्री टाइम कंप्लीट हो चुका है, अभी हमें जल्दी से अपने काम पे वापस निकलना होगा। ये वाला गेट खोलते हैं। हेलो ऑफिसर, हाउ आर यू। मैं थोड़ा बहुत कुछ खा पी लूँ क्या? वैसे भी जरूरत नहीं है, मेरे इस टाइम पे हेल्थ पूरी दिखा रहा है। एंड स्टैमिना का जो बार है नीचे वो तो खैर मेरे रेस्ट लेने पे वेट कर रहा है, मैं अगर खड़े रहूंगा तो वो बार बढ़ेगा अदरवाइज कम होता जाएगा। अभी हम लोग आ चुके हैं अपना नेक्स्ट है पैकेज सर्च। ओके तो जो लोग को भी किसी क्राइम लोकेशन से पकड़ते हैं या फिर किसी भी प्रिजनर को जब लाया, मतलब कि किसी भी चोर उचक्के को लाया जाता है तो फिर उनका जो सामान है ना वो भी चेक होता है। तो ये संजय कुमार भाई का डब्बा है, ये धीरज भाई का डब्बा है एंड ये मुन्ना त्रिपाठी का डब्बा है। पहले इनके डब्बे में चेक करेंगे कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या करा है जो इन्हें यहाँ पर पकड़ा गया और इनके पास क्या क्या सामान है जब ये लेकर आए हैं। तो फटाफट से इस डब्बे को हम लोग यहाँ पर खोलते हैं। तो यहाँ पर है एक बोतल एंटी जैरजा, पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें। और इस बोतल के अंदर ये क्या है भाई, ये कुछ तो इलीगल आइटम है, कॉन्ट्रामेंड। लेट्स गो भाई, ये
अब इसमें बस तीन ऑप्शन है, मैं इसे अब ले भी सकता हूँ। ओके गाइस, तो अब मैं समझा, ये कोई क्राइम लोकेशन का सामान नहीं है, ये सारे के सारे जो पैकेजेस है ना, ये प्रिजनर के घर वालों ने उन्हें भेजा है एज अ गिफ्ट आप कह सकते हो, और हमें बस चेक करना है कि इसमें कुछ गलत तो नहीं है, और अगर ठीक है तो उन्हें दे देंगे। बाकी उन्होंने ये दवाई के नाम पर भेज दिया, बट इसके अंदर एक सिगरेट पड़ी है। और अपने पास तो तीन ऑप्शन है, पहला ये कि या तो मैं इसे छोड़ दूँ, उस बंदे तक पहुँचने दूँ, दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं खुद अपने पास रख लूँ, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मैं इसे अपनी जेब में डाल लूँ। भाई रुक जाओ, इसे हम एक काम करते हैं, नहीं जेब में नहीं डालेंगे, वो ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी हमें इसका करना क्या है, तो एक बॉक्स चेक हो चुका है, दूसरा बॉक्स है यहाँ पर भी, इसे खोल के देखते हैं, ये भी एक मेडिसिन की डब्बी है पर इसमें भी कुछ नहीं है। तीसरा यहाँ पर एक चेरी है, वो भाई सब प्रिजन में ये सब भिजवा सकते हैं क्या, मुझे सही में नहीं मालूम था, इसे खोल के नहीं देखा। इसके अंदर फिट, ये एक इंजेक्शन है भाई, ये सच्ची में बहुत ज़्यादा गलत बंदा है मुन्ना त्रिपाठी। इसको उठाओ भाई, ये भी मैंने उठा लिया, अपनी इन्वेंट्री में रख लिया है। यहाँ पर भी कुछ पड़ा हुआ है, कहने को तो ये चॉकलेट्स हैं, पर जब मैं इसे खोल के देखूंगा तो इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है ये नॉर्मल चॉकलेट ही है। भाई ये सही में बहुत ज़्यादा गलत बंदा था, सही है, मैंने इसका पूरा का पूरा पैकेज सही से चेक करा। अभी इसको हम लोग उठा के वापस से चेक वाले शेल्फ में रख देते हैं। अब बारी है संजय भाई के पैकेज की, इसको उठा के यहाँ पे रखते हैं, पूरा खोल के इसे चेक करते हैं आखिरकार इसके अंदर क्या क्या है। यहाँ पर एक कैन है, इस कैन में ओ वाह कुछ भी नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। ये वाला भी मुझे ठीक ही लग रहा है, ओके राइस थे कुछ, और इसमें है ओपन करके देखता हूँ मैं साइड पे। भाई ये देखो क्या रखा हुआ है इसने, इसको भी उठाओ वापस। भाई कितने गलत गलत बंदे आ रखे हैं भाई, इन बंदों पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना होगा। बाकी कुछ मेडिसिन्स हैं और ये ठीक मेडिसिन, तो शायद से ये इलीगल नहीं है, ठीक है सब ओके है। लेट्स गो, ये वाला बॉक्स भी बंद मैंने कर दिया, वापस यहाँ पे रखते हैं। बारी है कि लास्ट बॉक्स की, और ये वाला पैकेज तो मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा लग रहा है धीरज भाई का। लेट्स गो धीरज भाई, भाई सही में बहुत ज़्यादा बड़ा पैकेज है, खोला इसे मैंने, इसके अंदर सामान भी बहुत ज़्यादा है। ये एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट के अंदर देखते हैं भाई क्या क्या हो सकता है। ये खोला, ये खुलेगा कुछ भी नहीं है फिलहाल इस टूथपेस्ट में। एक ये है, इसे ओपन करते हैं, इसमें भी कुछ कैंडीज हैं। भाई इतना बड़ा होगा कैंडी खा रहा है, ये भी खाली है, चॉकलेट भी एकदम एम्प्टी है। एक ये लास्ट डब्बी रह गई थी, ये भी मैंने चेक कर लिया है। भाई धीरज भाई के पैकेज में कुछ भी गलत नहीं निकला, और उन्होंने अटेंडेंस भी सही से लगवाई थी। कुछ कुछ प्रिजनर्स हैं जो कि ठीक है, बट कुछ कुछ बहुत ज़्यादा डेंजरस है। बाकी अपना काम खत्म हो गया, और दोबारा से अब फ्री टाइम है, फ्री ब्रेक है, तो ये रहा बेंच, इस पे बैठते हैं और अपना फ्री टाइम स्किप हो जाएगा। ऑल राइट, फ्री टाइम भी हो गया कंप्लीट, और अभी मुझे क्या करना है, गो गेट द प्रिजन फ्रॉम द सेल ब्लॉक, ठीक है। तो मुझे शायद से प्रिजनर्स को उनके सेल ब्लॉक से लेकर आना है, जल्दी से चलते हैं। यहाँ पर ये वाला गेट भी खोल दिया, और ये हम लोग आ चुके हैं प्रिजन में, और अभी मुझे क्या करना है, टू गो टू द वर्कशॉप, सिलेक्ट सम प्रिजनर्स यूजिंग द क्लिकर फर्स्ट, दे विल बी रेडी फॉर एन असेंबली, ठीक है। तो अभी ना मुझे इन्हें वर्कशॉप पे लेकर जाना है, मैंने वो सेल जो है खोली हुई है ना, मैंने ऊपर वाला बटन दबा, ओ ऑलरेडी उनके गेट ओपन हो रखे थे, मुझे इसे बंद करना होगा। तो मुझे कुछ कुछ बंदों को लेकर चलना है उनके साथ। अबे सबके सब यहाँ पे टॉयलेट करने में बिजी हो रखे हैं भाई, मतलब हर एक बंदा इस टाइम पे, यार मैं क्या बोलूँ। हाँ तो अभी कुछ ही बंदों को मेरे को अपने साथ लेकर जाना है उनकी वर्कशॉप के लिए, जहाँ पर उनसे हमें कुछ काम करवाना है छोटा मोटा, जो भी प्रिजन में करवाया जाता है। ये सो रहा है राहुल भाई, तुम अपना फुल मस्ती में सो रहे हो, इधर आओ, उठ जाओ फटाफट से, तुम्हें मैं लेकर चल रहा हूँ अपने साथ, ठीक है ना। एक बंदा ये हो गया, इन्हें ले चलते हैं, ये अपना खाली खड़ा हुआ, ये थोड़ा शरीफ से हैं। धीरज भाई भी फुल एकदम शरीफ से, उनके घर से भी सामान ठीक आया, कोई दिक्कत नहीं। ये बंदा थोड़ा फ्रेंडली लग रहा है, इसके ऊपर ये नोकिया का साइन आ रहा है, एलन बीबर। अबे ये वाला मैंने नाम मेरे को तो याद भी नहीं मैंने कब लिखा है, ना ये एलन वोकर है ना जस्टिन बीबर, ये एलन बीबर है। लेट्स गो, आप भी मेरे साथ चलने वाले हो वर्कशॉप पे। थर्ड है, तुम अपना एंजॉय करो, आप खाली खड़े हो, आप भी चलो, कुछ सीखने को मिलेगा। तीन लोग हो गए, उसकी बाल कलर करा गया, ब्लू हेयर, तू तो सबसे पहले चल, रिजर्व हेयर भाई तुम आ जाओ भाई। एक दो तीन चार बंदे हो गए, अब पांचवा बंदा है अपना, किसे ले चलूं, ये बंदा क्या कर रहा है, अबे ये टॉयलेट कर रहा है, हाथ धो रहा है, फिर टॉयलेट कर रहा है, फिर हाथ धो रहा है, और कर भी जमीन पे ही रहा है। अबे पेचे लड़वाता हूँ, चलो आओ मुन्ना त्रिपाठी भाई तुम आ जाओ, तुम्हारे घर से सामान भी बहुत गलत गलत है भाई, ये डोन लग रहा है, मारेगा, सही बता रहा हूँ ये मारेगा भाई, आ जाओ भाई आ जाओ। तो पांचों बंदे अपने पास रेडी हो चुके हैं, फटाफट से अभी हम लोग इनको अपने साथ लेके चलते हैं। चलो भाई अभी मेरे पीछे पीछे आना। तो यहाँ पर मैंने एकदम मस्त सीटी बजा दी है, बाकी मैंने यहाँ पर जो बाकी प्रिजनर्स हैं ना, जो सभी के सभी सेल में बंद है, उनकी सेल को वापस से लॉक कर दिया है। और अभी फटाफट से मैं अपने हाथ में ना डंडा निकाल लेता हूँ, ताकि अगर कोई भी मेरे पीछे आने में मतलब जबरदस्ती करता है या फिर नहीं आता है तो उसकी पिटाई होगी। एक दो तीन चार पाँच, पूरे के पूरे पांच बंदे मेरे साथ आ रहे हैं, आ जाओ जल्दी भाग के आओ,
यहाँ पर भी एक प्रिजनर बैठा हुआ है। ये ना थोड़ा अच्छा प्रिजन है, यहाँ पर उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। पर ये जो ऑरेंज ड्रेस वाले हैं ना, मतलब वो जो लोग हैं उनका शायद कुछ एक महीने का या एक हफ्ते का होगा, बट ये तो शायद से उम्र कैद वाले हैं या फिर इनका कुछ 10-15 साल का सीन है। हाँ वेट वेट, अबे यहाँ कहाँ आ गए, वर्कशॉप तो पीछे है। अच्छा अपने साथ साथ एक प्रिजन गार्ड भी आ रहा है इनका ध्यान रखने के लिए, हो सकता है एक बंदे पे भारी पड़ जाए। बाकी वर्कशॉप में आ चुके हैं, लाइन से आ रहे हो, ठीक है आराम से, कोई बदमाशी नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। हेलो सर, मैं यहाँ पर इन बंदों को लेकर आ गया हूँ। ठीक है न्यू भी मैं, हाँ मैं न्यू प्रिजन में वैसे। चलो सर ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इनको टूल्स ला कर देने सबसे पहले, और ध्यान रखना है कि ये फाइट वगैरह ना करें। तो अभी मैं अपना डंडा अंदर रख लेता हूँ, अभी इस डंडे की जरूरत नहीं है, यहाँ पर और भी गार्ड्स हैं। और फटाफट से सारे के सारे मतलब 5 टूल्स उठाते हैं और इन 5ों को ले जाले जाके देते हैं। तो सर आप एक काम करो, तो इससे बात करते हैं और इसको हम लोग देते हैं स्क्रू ड्राइवर। मतलब यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये कुछ और सीखें, इलेक्ट्रीशियन से लेकर हर एक काम प्रिजन में सिखाया जाएगा इनको। आप रेंच लो, नल के टाइट करना सीखो, एक्वा भाई अब एक काम करो, फाइल लो, इससे थोड़ा लॉक वॉक तोड़ना सीखो, चोरी थोड़ी सिखाई जा रही है, हैमर लो आप फटाफट से और जल्दी से आके लकड़ी वकड़ी तोड़ो, मतलब पत्थर तोड़ो। बाकी आप नाइफ लो, बस पेट में मत मार दे। अबे यार नाइफ गलत बंदे को दे दिया, ये मुन्ना त्रिपाठी वैसे ही बदमाशों की तरह चल रहा है। हाँ तो ठीक है, अभी सबने जाकर अपना काम, हैमर से सही में लकड़ी तोड़ रहे हैं। चलो ठीक है, कील ठोक रहा होगा। यहाँ पर इन भाई साहब जी ने लकड़ी घिसना स्टार्ट कर दिया है, अंदर तो खैर कोई भी नहीं, यहाँ पर सारा सामान था। सबके सब लोग अपना काम पे लग गए हैं। यहाँ पर ये भाई साहब जी भी कुछ ना कुछ, बस 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 कीप इट अप, लेट्स गो। इधर भी एक बहुत बड़ा रूम है, यहाँ पर भी अपना एलन बीबर काम कर रहा है। इस वाली रूम में अपने भाई, ओ तेरी भैंस की, ये बंदा सही में डेंजरस है। चलो यार चलो, आज के लिए बस बहुत इतना ही है, अभी वापस चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो सबको भी मैं यहाँ पर पहले वापस बुलाता हूँ, और सबसे मुझे उनके हाथ में जो सम्मान मैंने दिया था ना, ये वापस लेना है। पता चला अगर ये लोग ये हथौड़ा, ये कैंची, ये स्क्रू ड्राइवर लेकर वहाँ पहुँच गए ना, तो एक आध बंदे को काट ही डालेंगे, क्योंकि आपस में लड़ते भी बहुत हैं ये लोग। तो एक एक करके सबसे भी मुझे सामान वापस लेना है। हाँ लेट्स गो। तो यहाँ से मैंने सामान वापस ले लिया है, इनसे भी सामान वापस लेते हैं। लाओ भाई फटाफट फटाफट, रिजर्वर भाई जल्दी से सामान वापस, लेट्स गो। आपके पास क्या था? ओके ठीक है, चलो सब कुछ हो गया। अभी मुझे क्या करना है कि पुट द टूल्स बैक इन देयर प्लेस, लेट्स गो। तो मुझे यहाँ पर हर एक चीज वापस रखनी है कुछ इस तरीके से, जो जो मैं उनसे लेकर आया हूँ। और इसके बाद मुझे इन सभी लोगों की बॉडी चेक करने दोबारा से, कि कहीं यहाँ पर कोई सामान उठा के इन्होंने अपनी जेब में तो नहीं डाल लिया। मतलब ये लोग चुरा तो नहीं रहे उस सामान को, कहीं पता लगा चुरा के ले जाएं और वहाँ पे जाके किसी को मार दें उससे। तो भी मुझे इसकी पूरी बॉडी चेक करनी होगी। इसके पास कुछ भी नहीं है। एलन बीबर की भी बॉडी चेक होगी, इसके पास भी कुछ नहीं है। एक्वा भाई की बॉडी मेरे को लग रहा है कुछ तो निकलेगा। भाई एक ड्रिल बिट लेकर जा रहा था, मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो मैं इसे छोड़ दूँ कि ये ले जाए और किसी को मार वार दे, या फिर अपनी सेफ्टी के लिए रखे, या फिर ले लूँ, या फिर रीसिक्योर। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट डाउन होगी इसकी नजरों में हमारी, भाई ये सही है, मतलब इससे सामान ले लिया तो रिस्पेक्ट डाउन भी होती है, ठीक है चलो कोई बात नहीं। इसके पास एक एनर्जी ड्रिंक है, चल भाई चल इधर दे मैं पीऊंगा ये। वैसे वो इलीगल आइटम नहीं था, वो उसकी पर्सनल थी। भाई स्क्रू ड्राइवर चुरा के ले जा रहा है ये, तू भाई डेंजरस बंदा, तू इसे ले जा, पता चला बाद में मारेगा। और इसकी नजरों में अपनी रिस्पेक्ट बढ़ गई है। लेट्स गो, सब एकदम हो चुका है, अभी फटाफट से सब लोग मेरे साथ चलो वापस आ जाओ, लेट्स गो। तो ठीक है, अभी इन्हें मेरे को वापस से इनके सेल में वापस लेके जाना है। ओके गाइस, तो ये हम लोग सेल में वापस आ चुके हैं। फटाफट से मैं इनके लिए गेट भी ओपन कर देता हूँ। अबे अंदर कहाँ जा रहे हो, गेट बंद कर दिया इसके दस्ती। इधर आए तुम्हारा रूम, ठीक है भाई, सबके सब अंदर जाने में लगे हुए फुल एकदम। हाँ लेट्स गो, टास्क कंप्लीट, सब एकदम सेट, एंड हो गया डे। आज के लिए बस भाई इतना ही, अभी हम लोग चल के सोते हैं और नेक्स्ट देखते हैं हमें क्या क्या काम मिलने वाला है। गुड मॉर्निंग गाइस, अगला दिन हो चुका है और अभी मुझे यहाँ से जाना है सीधा सर्च रूम में। शायद से मुझे आज भी दोबारा से सारे के सारे पैकेजेस चेक करने हैं। मेरे पास एक टास्क है कि जो मुन्ना त्रिपाठी का बॉक्स है, मुझे उसके अंदर नीडल खोल देनी है। हाँ ये कोई सिंपल सा काम है, रुक जाओ मुझे अभी अंदर चल के देखना होगा वैसे सबसे पहले। ओके ओके गाइस, तो अभी मैं समझा, शायद से कुछ नए प्रिजनर्स आए हैं तो उन्हें भी मुझे भर्ती करना होगा। चलो भाई अभी जल्दी से बोल के उन्हें बुलाते हैं। तो ये भाई सब्जी आ चुके हैं। मुझे इसकी पूरी की पूरी फाइल चेक करनी होगी आखिर क्या क्या है। चेक कॉम्प्लेंस ऑफ फिंगरप्रिंट्स विद कंट्रोल शेड फिंगर, ओके ओके ठीक है। इसके फिंगरप्रिंट्स तो मेरे हिसाब से पूरी की पूरी 10 उंगलियों के मैच हो रहे हैं। हाँ तो ठीक है, इसको मेरे हिसाब से भर्ती कर देना चाहिए। रुक जाओ, ई से एक्सेप्ट हो जाएगा। लो भाई आपकी स्टैंप लग गई है, जल्दी से जाओ। और ये इनका सामान है जो कि प्रिजन में अंदर लेकर जाना चाहते हैं, शैम्पू है। रुक जाओ मैं चेक करता हूँ, शैम्पू फीवर पिल्स, ठीक है ये चेक हो गई। बिल्कुल सही, आप ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं सर। सर
भाई साहब मैं सर कैसे बोल रहा हूँ उसको। एक ये वाली बॉटल है इसे भी चेक करते हैं, ये भी एकदम ओके है। एक ये थर्ड है इसको भी हम लोग चेक कर लेते हैं, ये भी ओके। आप एकदम सही बंदे हो भाई, जाओ कोई दिक्कत नहीं, फुल एग्री, ऑल राइट, सब हो चुका है तो आपका एडमिशन समझ लो हो गया सर, आप जा सकते हो अपना। बस लास्ट मुझे इसकी बॉडी चेक करनी होगी, कहीं बॉडी में कुछ ना छुपा के ले जा रहा हो, सब ओके भाई। तो मुझे बस इस पे भी स्टैंप लगवानी होगी अपनी। ओके ओके ओके, यहाँ पर इनका एक और पैकेज बॉक्स है जो कि मुझे इसे देना है, शायद से इसके अंदर वो सारा का सारा सामान है जो कि प्रेजेंट में यूज होता है। ऑल राइट, तो अभी मैंने इसे बोल दिया कि आप प्रेजेंट में जा सकते हो और ये चला गया, प्रेजेंट गार्ड इसको लेकर जाएगा, लेट्स गो। बस एक ही नया बंदा आता है लेके जानता, बाकी अपने पास और भी काफी सारे टास्क है जो कि हम बाद में करेंगे, फिलहाल फ्री टाइम है। थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक वगैरह यहाँ से परचेज, वो बहुत कुछ है उसके अंदर, तो मैं चिप्स भी खरीद सकता हूँ। एक चिप्स ले लेते हैं, एक लेना भाई, छह नहीं लेने, इतनी भी भूख नहीं लगी, दो ले लेते हैं। एक ये ड्रिंक है ये भी ले लेते हैं, बस बहुत है, इतनी ज्यादा सैलरी भी नहीं मिल रही कि मैं ज्यादा कुछ यहाँ से खरीद पाऊँ। फटाफट से भाई मैंने खा भी लेता हूँ, मीन्स पी भी लेता हूँ, ड्रिंक आराम से मैंने पी लिया। अच्छा अभी जरूरत ही नहीं है, शायद अपना पेट पूरा भरा हुआ है। बाकी इलीगल आइटम भी अपने पास बहुत सारा हम लोग लेकर घूम रहे हैं, इसका पता नहीं यार क्या यूज होने वाला है, मुझे सच्ची में कोई आइडिया नहीं है। बाकी फ्री टाइम स्किप करते हैं यार, बहुत है। ऑल राइट गाइस, तो अभी मुझे वापस से जाना है प्रिजन यार्ड में, शायद से वहां पर अपना नेक्स्ट काम स्टार्ट होने वाला है, मतलब अपनी नेक्स्ट ड्यूटी आप कह सकते हो, ड्यूटी का हिस्सा। और अभी यहाँ पर जितने भी प्रिजनर्स हैं ना, वो सारे के सारे अपने एक्सरसाइज के लिए और थोड़ा बहुत खेलने कूदने के लिए जाने वाले हैं। भाई यार सही में इधर बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है, चारों तरफ ऊंची ऊंची वॉल, हर जगह ऊंचे ऊंचे टावर जिसपे दो से तीन प्रिजन गार्ड्स भी घूम रहे हैं। बाकी यहाँ पर सब अपना एक्सरसाइज वगैरह पे लग गए। ओ तेरी भाई, ये है फुल अपना एक्सरसाइज करने में लगा हुआ है, हम लोग भी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर सकते हैं शायद से यहाँ पे। चल भाई चल, मैं एक्सरसाइज करूंगा, वर्कआउट टाइम, लेट्स गो। एक्सरसाइज करने के लिए मुझे कुछ इस तरीके से बटन्स प्रेस करने हैं। नाइस, एक रैप दो रैप, बाकी मैं एक प्रिजनर फिट। मुझे ना यहाँ पर इन सब चीजों से ज्यादा मैं इसे एस्केप नहीं कर सकता भाई, मुझे ये सब नहीं करना। यहाँ पर कुछ बंदूक की लड़ाई, अबे भाई ये मुझे मार रहा है, वेट एक सेकंड रुक जाओ, मेरे को ना अभी इसे जल्दी से जल्दी पहले तो बेहोश करना होगा। मेरे पास एक बहुत मस्त आइटम है, ये रहा टेज है, ऐसे की तैसे ले इसे, एकदम मस्त करंट सा लगा दे, एक और बार ले। अब इसके पड़ेगा डंडा। रॉकी भाई तुम बिल्कुल बदमाश हो रहे हो, भाई ये तो कुछ ज्यादा बदमाशी कर रहा है, 20% रिस्पेक्ट डाउन होगी इसकी नजरों में मेरी, बट ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा लड़ाई वगैरह करने थोड़ी आया है भाई, सीधा मुक्के मारने लग गया आके, मैं अपनी एक्सरसाइज कर रहा था, तो हाँ मुझे यहाँ पर एक्सरसाइज नहीं करनी, उनका ध्यान रखना है। ओके, तो शायद अभी अपना ब्रेक है थोड़ी देर का, बाकी जो गार्ड्स हैं वो अपना ध्यान रखेंगे इन सब लोगों का। हम लोग अपना बास्केटबॉल से भी यहाँ पर खेल सकते हैं और किसी के ऊपर फेंक के भी मार सकते हैं, और शायद लगी नहीं, उसके पैर पे जाके भिड़के रुक जाओ। मैं यहाँ पर अच्छा, वो वेट बास्केटबॉल उठाओ पहले, इससे एक बार ना बास्केट हम लोग करके देख, गिर गए पीछे। एक काम करते हैं, इस बास्केटबॉल को ना उसमें डाल के देखते हैं कि वो जाती है या फिर नहीं। छोड़ो उसके ऊपर नहीं, इसके मुंह पे फेंक के मारता हूँ। भाई ये रॉकी को क्या हो गया, हेलो आज क्या खा के आया भाई, रुक जाओ रॉकी, करंट लगेगा, चुपचाप बैठ थोड़ी देर यहाँ पे। फिर ये क्या हुआ, ओ तेरी भाई, किसी ने वहां पर आग लगा दी, रुक जाओ, मैंने यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर देखा था कहीं, तो मुझे ये ले जाके बुझाना होगा। भाई कितने ज्यादा डेंजरस लोग हैं, वेट पूरी की पूरी आंख शायद बुझ तो जानी चाहिए इस तरीके से। ओ, कौन मार रहा है, अबे हेलो भाई मार क्यों रहा है रॉकी मुझे, रुक जाओ रॉकी, ये ले भाई सबके सब, फिर मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे नहीं बनना है प्रिजन भाई। भाई वेट रुक जाओ, ये दोनों तो पहले पिटेंगे, इधर आओ तुम, बहुत बदमाश बन रहे हो, दोनों बहुत बदमाश बन रहे हो भाई, ये आर के ऑफिशियल और रॉकी भाई के भाई पिटाई हो गई है बहुत गंदी, सबके सब फुल लड़ाई करने में लगे हुए थे। तो ये अपना फ्री टाइम है, बहुत हो गया, अभी हम लोग जल्दी से वापस चलते हैं, मुझसे लड़ने मत आना इस बारी, ठीक है। ओके, तो दोबारा से फ्री टाइम मैंने स्किप कर दिया है क्योंकि आखिरकार इन प्रिजनर्स के साथ भाई मजा ही इतना ज्यादा आ रहा है। तो अभी काफी सारे लोग अभी भी बाहर यार्ड में ही घूम रहे हैं, लेकिन मेरा भी काम है, मुझे वापस से सेल ब्लॉक में जाना है और वहां पर जाके, अच्छा नहीं वो जो थे वो दूसरे प्रिजनर्स थे शायद, मुझे एक बार सेल ब्लॉक में चलना होगा। ओके, तो ये मैं आ चुका हूँ सेल ब्लॉक में, और अभी अपना क्या काम है, द सेल सर्च। ओके, यू हैव सेवरल सेल्स टू चेक, गो टू ईच ऑफ देम इन एनी ऑर्डर टू सर्च आइटम। ओके, तो हाँ भाई ये सब कुछ बहुत होता है भाई प्रिजन में, कि मतलब बंदा ना अपने पर्सनल रूम में लाके कोई ना कोई सीक्रेट सामान छुपा लेता है जो कि बाद में कभी भी हमें दिक्कत दे सकता है। तो अभी मुझे ना हर एक बंदे का रूम पूरा चेक करना होगा, तो फटाफट से मैं इसको खोल के इन पहले तो इन लोग को रूम से बाहर बुला देता हूँ। सब लोग बाहर, कोई अंदर नहीं होना चाहिए। ओके, सब लोग बात मान रहे हैं भाई,
हाँ, तो एक ही बार में बाहर आ गए हैं। मुझे किन किन का बैक चेक करना है? फर्स्ट मुन्ना, सेकंड मुन्ना त्रिपाठी, फिफ्थ नंबर राहुल, एक्वाओपी आशु गुप्ता और संजय कुमार। तो ये है अपना मुन्ना त्रिपाठी। तू तो बेटा बहुत डेंजरस है, तेरे रूम में कुछ ना कुछ तो हमें डेंजरस आइटम मिलने वाला है। खैर, इसके पिल्लो के नीचे कुछ भी नहीं है, ये रख देते हैं। इसकी बेडशीट में एक बार हम लोग चेक करते हैं, यहाँ पर खाली लग रही है, कुछ भी नहीं है। बेड के नीचे एक बारी चेक कर लेते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हो। यहाँ एक जूस की बोतल है जो कि लीगल है, रखे रहने देते हैं यार, इसके पास अच्छी बात है, बंदा जूस वूस पी रहा है, हेल्दी रहेगा। बाकी यहाँ पर एक बार हम लोग पॉट से, ये क्या है भाई, हेलो, ठीक है। इसके अंदर भी कुछ नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा डीप सर्च करना पड़ता है भाई, कसम से। वैसे ग्लव्स पहने हुए टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ पर भी इसने कुछ नहीं छुपा रखा है, यहाँ पर चेक कर लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है यार, बढ़िया बंदा है, इतना भी बुरा नहीं है, कुछ है नहीं इसके रूम में। ये जा सकता है, अपना है फिफ्थ राहुल, राहुल राहुल राहुल, ये है शिखर रावत का रूम, ये है राहुल का रूम, ठीक है। आप राहुल हो ना? हाँ ठीक है, आपका रूम चेक होगा भाई। पिलो के नीचे, पिलो के नीचे ये क्या छुपा रखा है भाई, एक सेकेंड, अब मैं इसे अपने पास रखूँ। रीसिक्योर में क्या होता है, मेरे को रीसिक्योर देखना है, शायद से फिर वो इस प्रिजन के जो मेन लॉकर होता होगा वहाँ पर जब तो जाता होगा, बट ठीक है। इसका बेड चेक करते हैं, बेड में तो खास कुछ नहीं है, बेड के नीचे देख लेते हैं, यहाँ भी कुछ नहीं है, ये वाला पार्ट स्किप कर रहा हूँ मैं, ये भी बंदा ठीक है। ओ वेट, हम लोग यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, ओ तेरी, मैंने मुन्ना त्रिपाठी के रूम में तो यहाँ पर चेक नहीं करा, रुक जाओ, मतलब हो सकता है नल के अंदर डालो, हाँ ये वाला एरिया रह गया था, अगर कुछ निकला ना, ओ नहीं यार ये सही में ही शरीफ है, अभी इतना भी बिगड़ा हुआ नहीं है। अब बचे हैं एक्वाओपी, आशु गुप्ता और संजय कुमार, फटाफट से इनका भी रूम चेक करते हैं। ओ एक्वाओपी के रूम में से देखो क्या मिला, ठीक नहीं, नहीं बहुत गलत बात है, ये मैं अपने पास रखूंगा भाई, कहाँ नल के अंदर डाल रखा है, देखो कैसे निकला भाई। ओह एक गड़बड़ हो गई, वो जो सिगरेट थी ना वो मैंने प्रिजन में जब्त कराने की बजाय अपने पास रख ली, और ये करते हुए एक प्रिजनर ने मुझे देख लिया है, मुझे इसे क्या बोलना चाहिए, रुक जाओ, मैं इसे बोल सकता हूँ जा जिसको रिपोर्ट करना है कर दे, या फिर मैं इसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि किसी को बताइए मत, या फिर मैं वापस नहीं कर सकता क्या, यू डिडंट सी एनीथिंग हियर, यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इसे, सॉरी आई कांट इग्नोर दैट, भाई ऐसा मत कर, तेरा मुंह तोड़ दूंगा मैं, सही बता रहा हूँ भाई, गड़बड़ होगी, पता नहीं ये सबको बताने ना चले जाए यार, यार इसके चक्कर में फंस गया मैं, कौन था किसका, एक्वा ओपी भैया तुमने कहाँ छुपा रखा था भाई वो। ऑल राइट गाइस, तो ये टास्क भी अपना कंप्लीट हो गया है, फटाफट से चल के इनकी सारी की सारी शेल को दोबारा से लॉक कर देते हैं, और शायद आज की ड्यूटी में अपने लिए इतना बहुत था। मुझे भी कहाँ जाना है, अच्छा मुझे भी गार्ड से चल के बात करनी है। तो गाइस आज किस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, और ये जो अपनी गेम है ना प्रिजन सिमुलेटर, ये इस गेम का डेमो वर्जन था, और जल्दी ये गेम फुल रिलीज भी होने वाला है, तो अगर आप लोग चाहते हो कि जैसी गेम है वैसे हम लोग इस पे और एपिसोड्स डालें, तो इस वीडियो पर 650,000 लाइक्स कर देना, थोड़ा बड़ा गोल है बट मुझे पता है आप लोग कंप्लीट कर दोगे। बाकी हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है ना उसे जल्दी से दबा दो, और कमेंट मत करना भूलना, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप भी इस खतरनाक प्रिजन का एक हिस्सा बन जाओ। तो चलो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।